यातायात माह को लेकर ताजनगरी आगरा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को आगरा कॉलेज के एनसीसी विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के बारे में एसपी ट्रैफिक द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। इसके लिए जो है पहला काम तो ये किया जा रहा है कि जिन मार्गों पर अधिक संख्या में मैरिज हॉल स्थित हैं वहाँ पे टीमें लगाई जा रही हैं और संबंधित थाने और चौकी को निर्देशित किया जा रहा है कि ये प्रयास करें कि कहीं भी सड़क पे कोई पार्किंग ना हो, सड़क पे कोई आयोजन ना हो। इसके साथ साथ हमारी भविष्य में ये योजना है कि थानों के माध्यम से जो मैरिज होम संचालक हैं उनको ये सूचित किया जाएगा कि यदि किसी भी प्रकार की सड़क पर अव्यवस्था हुई तो इसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ये भी हमारी योजना है और इसको शीघ्र ही लागू किया जाए। आज हमारे महाविद्यालय में यातायात माह में आज 5 तारीख को बच्चों को यातायात के नियमों के प्रति अधिक जागरूक करने के लिए पूरे प्रशासन के साथ ये कार्यक्रम समायोजित किया गया है, जिसमें बड़े ही रोचक तरीके से एसपी साहब से और सबसे जो हमारे नीचे से सर्वोत्तम कार्यकर्ता होते हैं कांस्टेबल साहब विष्णु जी, वहाँ तक सभी लोगों ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में और रोचक अंदाज में बच्चों को यातायात के नियमों से परिचित कराया है और यातायात नियमों में होने वाले नए परिवर्तनों से अवगत कराया है। वैसे तो आज जो यहाँ पर काम हुआ है इसमें एसपी ट्रैफिक साहब ने और जो अन्य लोगों ने यहाँ पर बोला, यातायात सुरक्षा संबंधित लगभग सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है और बच्चों को सारे नियमों से जानकारी दी है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, बच्चे जो हमारे युवा हैं बहुत जोश में रहते हैं तो जिंदगी में रफ्तार जरूरी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब सड़क पर चले तो उस रफ्तार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो लाइट का वेट करते हैं और रेड लाइट जैसे ही होने वाली होती है तब भी वो इतनी तेजी से चौराहा क्रॉस करके आगे पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है पता नहीं क्या उन्होंने इसको जंग जीती है। तो ये जो अंदर बच्चों के फीलिंग्स हैं या जो उनकी ये नेचर है उसको थोड़ा सा नियंत्रित करके रखें और जैसे कि नियमों का पालन करें। तो जो भारत में हर 4 सेकंड में एक दुर्घटना होती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, उसमें कुछ हद तक हम इसको कम करने में सफल हो सकते हैं।